आज मैं जर्नी करने वाला हूँ AMTS की डबल डेकर बस में। तो कुल मिला के बस जो है ना काफी अच्छी लग रही है देखने में ना। रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी? अरे बहुत बढ़िया रिस्पांस है। देख लीजिए आप ये सामने जो येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। अपर डेक में सबसे फ्रंट वाली सीट पे बैठ के सिटी को देखने का जो मजा है ना वो अलग ही है। तो AMTS की इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में ट्रेवल करके ना काफी मजा है। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम सौरव राजपूत और फ्यूल एडवेंचर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। सो एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ AMTS बस की। AMTS बोले तो अहमदाबाद म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस। और AMTS की जिस बस में आज मैं जर्नी करने वाला हूँ ना, वो कोई आम बस नहीं है। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ AMTS की डबल डेकर बस में। तो हाल फिलहाल में ही अशोक लीलैंड स्विच कंपनी की जो डबल डेकर बस है ये अहमदाबाद में ऑपरेट होना शुरू हुई थी, तो सोचा कि क्यों ना इस बस का ब्लॉग बना के आपके सामने पेश करा जाए। वैसे अभी मैं मौजूद हूँ सारथी बंगलोज AMTS बस स्टैंड पे, चांदखेड़ वाला एरिया ये पूरा पड़ता है, और यहाँ से आज मैं जर्नी करने वाला हूँ वासना AMTS बस स्टैंड की। बस यहाँ से रवाना होगी 9:40 पे, और करीबन मुझे लगता है कि 40-50 मिनट में तो वासना बस स्टैंड पहुंचा देगी। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहली बार जर्नी कर रहा हूँ, गूगल मैप पे भी मैंने चेक नहीं करा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि सिटी बस जो होती है वो छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल करती है, तो बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला। मैं मैक्सिमम एक घंटा मान के चल सकते हो, बाकी जब पहुंच जाएंगे वासना बस स्टैंड पे तब आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा। बाकी देखिए इधर हमारे साथ AMTS डबल डेकर बस के कंडक्टर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर? बस बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? हर्षद भाई। अच्छा, ये बस सर्विस जो है कब से शुरू हुई है डबल डेकर की अहमदाबाद में? अहमदाबाद में 3 फरवरी से। अच्छा, और कौन कौन से रूट पे अभी ऑपरेट हो रही है? अभी 4 रूट है। अच्छा, एक 401 में है वासना से चांदखेड़ा, दूसरा 51 है, 51 सीलज लाल दरवाजा से सीलज, तीसरा 150 में सारंगपुर से चिनुभाई नगर, चौथा 130 में नरोड़ा से लाभा। ओके, रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी? अरे बहुत बढ़िया रिस्पांस है। अच्छा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। लोग देख के खुश हो रहे हैं? मतलब लोग देख के खुश हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो उतार रहे हैं, अंदर आते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए सर, आशा करते हैं और भी रूट पे जल्दी ये बस स्टार्ट हो। बाकी आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अशोक लीलैंड की स्विच मोबिलिटी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में मैं पहली बार जर्नी करने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले मुंबई में भी स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी मैंने जर्नी करने की कोशिश करी थी, मैं मुंबई गया भी था, लेकिन कुछ रीजंस के तहत मैं वहाँ पे इस बस की जर्नी नहीं कर पाया था। चलो कोई नहीं, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि मैं अहमदाबाद हूँ और इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मेरे सामने खड़ी है। तो चलिए मैं आशा करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा वासना बस टर्मिनल की तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं एक और बेहतरीन बस जर्नी AMTS की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की। तो देख लीजिए भाई, फाइनली अशोक लीलैंड की इस स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में हमने बोर्ड कर लिया है। इधर हमारे साथ बस के ड्राइवर साहब मौजूद है। कैसे हैं सर? क्या नाम है सर आपका? अच्छा सर, कुछ छोटी मोटी डिटेल मैं आपसे जानना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है इसमें टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं? 29। अच्छा, आप अपने बस के कंडक्टर साहब? ग्राउंड फ्लोर पे 29। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे 36। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ ये बताइए सर कि एक बार चार्ज होने पे कितना किलोमीटर का रन कर देती है बस, मतलब कितना किलोमीटर चल जाती है? अगर अपने चार्जिंग करते हैं गाड़ी तो 140-150 के आसपास समथिंग रहता है। और चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे रहते हैं इनके? चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? रानीप के साइड है। अच्छा, तो बाकी देख लीजिए ये है कुछ बस का केबिन। सीसीटीवी की सर्विलेंस आपको पूरी बस में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस दिया हुआ है। फायर अलार्म यहाँ पे मौजूद है, स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए सर ने बजा के भी दिखा दिया। बाकी एक बार आगे चलते हैं, ये देखिए। तो देखिए दो स्टेयर केस आपको मिल जाएंगी अपर फ्लोर एक्सेस करने के लिए, एक वहाँ पे है और एक ये रही। चलिए एक बार ऊपर चल के भी देख लेते हैं, ये देखिए भाई। तो ये है इस बस का अपर डेक, इधर भी सीसीटीवी की सर्विलेंस आपको देखने को मिल जाएंगी, बाकी लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी क्योंकि अगर रात में जैसे जर्नी हो रही है तो उसके लिए लाइट कंपलसरी है। यहाँ पे भी एक सीसीटीवी सर्विलेंस दी गई है, ये देखिए।
और ये रही दूसरी स्टेयरकेस। तो कुल मिला के बस जो है ना काफी अच्छी लग रही है देखने में ना। बस में बोर्ड होती है यहाँ में टिकट भी मिल गई है। वैसे तो वासना बस टर्मिनल तक जो टिकट है ना वो सिर्फ 25 है, लेकिन मैंने पूरे दिन की टिकट बनवा ली है। देखिए पूरे दिन की जो टिकट बनी है ना वो 45 है। 45 की टिकट बनवा के आप पूरे दिन AMTS की किसी भी बस में घूम सकते हो। और क्योंकि मुझे वासना बस स्टैंड से वापस भी कहीं पर जाना तो इसलिए मैंने पूरे दिन का ये टिकट पास बनवा लिया था जो कि मुझे 45 रुपीज का पड़ा है। बाकी अभी मैं अपर डेक की सबसे फ्रंट वाली सीट पर बैठ गया हूँ और यहाँ से बैठ के ऊपर से सिटी को देखने में ना एक यार अलग ही फील आ रहा है। ये देखिए, देख रहे हो भाई साहब, ये देखिए बिल्कुल फ्रंट वाली सीट पे बैठ गया हूँ। यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना शानदार। इस बस में यानी अहमदाबाद की किसी भी MTS की बस में जेंट्स की पूरे दिन की 45 वाली टिकट चलती है, पूरे अहमदाबाद में चलेगी सिटी बस में, और लेडीज की 20 रुपीज़ की। अच्छा, लेडीज का जो टिकट पास है पूरे दिन का वो 20 रुपीज़ का चलेगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया, लेडीज को स्पेशल डिस्काउंट MTS दे रहा है, अच्छा लगा काफी सुन के। बाकी बात करें ओवरऑल बस की तो भाई सबसे पहले सीट की बात कर लेते हैं। सीट कंफर्टेबल दी गई है, हर सीट के नीचे ना यहाँ पे देखिए चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे USB टाइप। और क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बस है तो नॉइज बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। AC की बात करें तो AC भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो कुल मिला के जो बस है ना काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, और एक अट्रैक्शन भी बनी हुई है अहमदाबाद के लोगों के लिए ना, क्योंकि देखते हैं लोग जर्नी करने के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि डबल डेकर बस काफ़ी टाइम बाद हुई है। पहले किसी ज़माने में डबल डेकर बस यहाँ पर चला करती थी जो कि नॉन AC हुआ करती थी, लेकिन अभी डबल डेकर ने मॉडर्न रूप ले लिया और इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस चालू हो चुकी है जैसे कि आप देख ही रहे हो। बाकी देखिए अहमदाबाद सिटी में बीच बीच में ना आप जो BRT कॉरिडोर देखते हो जो कि स्पेशली बसेस के लिए बनाए गए होते हैं, सिटी बसेस के लिए, इससे क्या होता है ना सिटी बसेस आसानी से पास हो जाती हैं बिना रोड पे जाम वगैरह लगाए हुए, और अच्छा भी है भाई। इस टाइप के जो कॉरिडोर होते हैं ना मुझे तो लगता है कि भाई हर स्टेट में हर सिटीज़ में होने चाहिए ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ना वो थोड़ा सा स्मूथली चल सके। और बाकी टाइम अभी हो गया 9:50 और बस पहुँच चुकी है साबरमती मेट्रो स्टेशन। बाकी देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक पैसेंजर मौजूद हैं। अच्छा सर, कैसी लगी फिर ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आपको? मज़ा आ रहा है ट्रैवल करने में, और अहमदाबाद की एक स्पेशल अट्रैक्शन बन चुकी है ना। कौन सा पावर हाउस दिखाई दे रहा सामने? साबरमती पावर हाउस। अच्छा, पावर हाउस भी बोलते हैं। काफी बड़ा पावर हाउस लग रहा है। और बाकी देख लीजिए आप, ये सामने जो येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। कौन सा स्टेशन रहने वाला है ये? साबरमती। अच्छा, साबरमती स्टेशन है ये स्टेशन जो जिसने मोदी साहब ने उद्घाटन किया। अच्छा, तो देखिए अभी तो बुलेट ट्रेन को चालू होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन स्टेशन पूरा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए बाकी देख लीजिए आप, ये सामने जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं ना, पिलर का ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये सारा बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे ना। बाकी एक चीज़ तो है भाई, अपर डेक में सबसे फ्रंट वाली सीट पे बैठ के सिटी को देखने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अरे छप्पर जोश आता है। तो अगर आपने कभी अहमदाबाद की डबल डेकर बस में ट्रैवल नहीं करा या फिर आप मुंबई से देख रहे हैं मुंबई की डबल डेकर बस में ट्रैवल नहीं करा तो भाई एक बार करो और अपर डेक में ना फ्रंट वाली सीट पर बैठ कर ट्रैवल करो भाई साहब। जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना सिटी के ऊपर से बड़े ही शानदार होते हैं। और बाकी देख लीजिए बस अभी पहुँच चुकी है RTO सर्कल, यानी बस स्टैंड जो है वो भी इधर ही है ना आगे, वो सामने वो लिखा ना। हाँ, वो उधर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है RTC, वो रानी बस स्टैंड सामने ब्रिज है, वो सुभाष ब्रिज है। अच्छा, वो नदी पर साबरमती नदी, साबरमती वो सामने दिखता है ना। अच्छा अच्छा, ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना उधर सामने ब्रिज दिखाई, साबरमती नदी के ऊपर, उसको सुभाष ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, और ये कौन सा चौराहा है, ये कौन सा चौक है? सुभाष ब्रिज बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, इस चौक को क्या बोलते हैं? सुभाष ब्रिज बोलते हैं। अच्छा।
कलेक्टर ऑफिस है अभी। अच्छा, ये कलेक्टर ऑफिस। और देख लीजिए भाई, अभी बस पहुंच चुकी है साबरमती आश्रम। ये देखिए, जहाँ पे महात्मा गांधी जी से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानने को आपको मिलता है। तो अगर कभी अहमदाबाद आते हो तो यहाँ पे भी एक बार विजिट आप कर सकते हो। देखिए कंडक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई डांडी यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी ना, वो ब्रिज जस्ट यहीं पास में मौजूद है। और मैं एक बार अहमदाबाद आया भी था, तब यहाँ पे मैं साबरमती आश्रम में दर्शन करके गया था। और मेरे ख्याल से साबरमती नदी भी बिल्कुल उसके साथ में ही है ना, बाजू में है। हाँ। साथ में ही ये आया तो, यहाँ से स्टार्ट होता है ये लेता ना। अच्छा, ये जो छोटा सा पुल जा रहा है साथ में, ब्रिज है ना। हाँ, ये डांडी ब्रिज। ये देखिए, ये छोटा सा ब्रिज जो यहाँ से अलग से ये इधर को निकल रहा है ना, ये यहाँ से डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और वो सामने आप जो नदी देख रहे हो ना, वो है साबरमती नदी। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप अहमदाबाद और मुंबई से वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपके शहरों में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस शुरू हो चुके हैं, तो एक बार यात्रा करना बनता है। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा भी कई स्टेट ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पे इनको लगाने की प्लानिंग चल रही है या फिर शुरू भी की जा चुकी है। जैसे कि बैंगलोर हो गया, उसके अलावा नागपुर हो गया, नागपुर में तो शुरू भी हो चुकी है। बाकी त्रिवेंद्रम में KSRTC ने भी ये बसेस खरीदी हैं। और KSRTC वाली जो ये स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, उसमें खासियत ये है कि उसका जो अपर डेक है ना, वो ओपन रहने वाला है। वो मे भी शायद नॉन AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस रहेगी। ये आश्रम रोड है, अहमदाबाद का फेमस रोड, बहुत बढ़िया। कौन से बस स्टैंड पे पहुंच गए अभी? वैसे आपको बता दूं, ये जो बसेज है ना, ये चार्टर द्वारा मेंटेन करी जा रही हैं। और ये बात मुझे पता चली ड्राइवर साहब की यूनिफॉर्म देख के, जिस पे कि चार्टर का लोगो मेंशन है। और आपको पता होगा कि GSRTC की जो वॉल्वो वगैरह भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं चार्टर द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। बस GSRTC ने ना चार्टर से बसेज लीज को ले रखी है, तो सेम यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है। AMTS ने ये बसेज जो है ना, वो चार्टर से लीज पे ले रखी हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जितना भी रख रखाव हो गया और ड्राइवर वगैरह हो गए, वो सारे चार्टर की तरफ से ही रहते हैं। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा आपके साथ सफर करके। दोबारा कभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे। चलिए सर, मुलाकात करते हैं। चलिए सर, ओके, मुलाकात करते हैं। चलिए सर, अच्छा लगा आपके साथ सफर करके, कभी दोबारा आएंगे तो मुलाकात करेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक बार थोड़ा सा ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार थोड़ा समझा देंगे, क्या क्या फीचर है इसमें? बिना गियर की गाड़ी है, गियरलेस गाड़ी है, ऑटो गियर है, ओके, ड्री है ड्राइविंग के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, ये रिवर्स के लिए, ओके, एक एक्स्ट्रा बटन है, और ये सब कैमरा है, इधर पूरे सब कैमरा सिस्टम, ओके, ये 15 मिनट लगा, एसी है, एसी पूरा, और ये सब रूट बोर्ड सिलेक्शन है हमारे, रूट बोर्ड, अच्छा, रूट बोर्ड भी इस पे शो करता है, शो करता है, ये एसी का शो करता है पूरा, ये ऊपर का एसी है, ये नीचे का एसी, अच्छा, ये सब इसका रूट बोर्ड की स्विच से, दरवाजे की है। अच्छा, बाकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है इस बस की? मैक्सिमम 50 की है। अच्छा, जो अनलॉक है मैक्सिमम तो ज्यादा है, 140 तक। हाँ, वैसे तो मतलब 140 पे दे रखी है ना, 160 दे रखी है, मतलब लॉक कितने पे? वो 50 पे लॉक है मतलब। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख लीजिए, ये है कुछ वासना AMTS बस टर्मिनल,
और ये खड़ी है अपनी अशोक लीलैंड स्विच मोबिलिटी की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। वैसे आपको बता दूं, यहाँ हम पहुँचे हैं करीबन 10:50 में, तो 1 घंटा 10 मिनट हमें यहाँ पहुँचने में लग गया, क्योंकि भाई एक सिटी बस है तो पैसेंजर्स का पिकअप और ड्रॉप जो होता है वो हर एक बस स्टैंड पर रहता है, और उसके अलावा भाई सिटी में ट्रैफिक भी होता है, तो उस वजह से टाइम थोड़ा पहुँचने में यहाँ पर लग गया है। बाकी देख लीजिए पूरा बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो AMTS की इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में ट्रैवल करके ना काफ़ी मज़े है, हालांकि जर्नी बहुत छोटी थी, लेकिन ठीक है यार, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया, और क्या ही चाहिए। और जैसा कि आप न्यूज़ में आए दिन सुनी रहे हो कि भाई अलग अलग सिटीज़ अलग अलग स्टेट इन बसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इन बस को ना बड़ा सोच समझ के अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि इन बसेस को चलाने के लिए ना एक स्पेसिफिक रूट भी आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मोस्टली सिटीज़ में तो फ्लाईओवर वगैरह बन चुके हैं, तो हर जगह से इसको पास करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं कहीं पर फ्लाईओवर की जो हाइट होती है ना उतनी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, हाईवे वगैरह पे ये बसें आसानी से चल सकती है, लेकिन हाईवे वगैरह पे भी एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में ही चल सकती है, जिनका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि लॉन्ग रूट के लिए ना ये बस उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है। अगर लॉन्ग रूट के लिए इसको कैपेबल बनाना है तो भाई इसकी बैटरी में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, बैटरी कैपेसिटी में, और सीटें और ज़्यादा कंफर्टेबल करनी पड़ेंगी, तो काफ़ी सारे पैरामीटर हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई, अशोक लीलैंड इस तरफ देख सकती है, क्योंकि भाई इंडिया में जब इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक सीटर बस इलेक्ट्रिक स्लीपर बस ऑलरेडी चालू हो चुकी है, तो भाई क्यों ना एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भी इंटरस्टेट रूट पर चालू हो, तो भाई अशोक लीलैंड एक्सपेरिमेंट करके तो देख सकते हैं, मतलब इस तरीके की बस बनाई जा सकती है। चलो ये तो फ्यूचर की बात है, तो चलिए जर्नी करके इस बस में काफ़ी मजे आए, और बाकी जितनी डिटेल थी उस ब्लॉग की वो मैं जर्नी के दौरान आपको बता चुका हूँ। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और पता ही खालियात नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।